फ्रेंड्स आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई कंपनी आपको कह रही है कि मैं आपको सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनी के रूप में तो अपॉइंट कर दूंगी पर आपको एक टर्म स्किप करना पड़ेगा सो so, फॉर आपका लास्ट टू मंथ्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है सो लेट्स से किसी कंपनी को अभी रिक्वायरमेंट है अप्रैल में फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सो पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर नवंबर ट्वेंटी वन वो लोग भी एलिजिबल हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बिकॉज लास्ट नाइन मंथ्स टू ट्वेल्ल मंथ्स है बट अगर कंपनी उन लोग को रिक्रूट करती है तो द चैलेंज इज कि वो बीच में लाइक जुलाई अगस्त के आसपास लीव पे चले जाएंगे एंड देन मिड नवंबर के बाद दे आर गोइंग टू रिजॉइन अ लॉट ऑफ कंपनीज आर सेइंग कि हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है आप नवंबर 21 की जगह मे 22 में अपना सीए फाइनल दीजिए सो नाउ द चैलेंज बिकम्स दैट इज इट वर्थ ड्रॉपिंग अट टर्म जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आइए समझते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने से लोगों को फायदा क्या होता है सो वन इज ब्रांडिंग सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम दिस मार्की एफ एम सी जी फ्रॉम दिस ग्रेट ऑयल पी एस यू फ्रॉम दिस ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें आपके सी वी को काइंड kind ऑफ of चार चांद लग जाते हैं ऐसा लोग कहते हैं एंड इट इज लाइक अ सैलवेशन फॉर दोज पीपल हु आर लाइक काइंड ऑफ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फेरटी कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड ऑफ देयर दर्टिकलशिप फॉर्म सो so, अगर मिड साइज़ फॉर्म्स से या स्मॉल साइज फॉर्म्स से वो लोग आर्टिकलशिप करें तो उनको लगता है कि एक टॉप एंड नाम से अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर दें तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है पच्चीस हज़ार तीस हज़ार पर मंथ कईयों को लगता है वाओ दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट आई रियली वॉन्टेड एक्सपोजर के बारे में बहुत मिथ है मोस्ट कंपनीज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को यूज़ करती है एज अ शॉर्ट टर्म रिसोर्स सो यू विल नॉट रियली गेट द काइंड ऑफ एक्सपोजर जो आपको लगता होगा कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको ट्रेजरी में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में अपॉइंट करता हूँ सो मोस्टली आई विल मेक यू डू जॉब्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ माय डे टू डे एक्टिविटीज या मैं आपको बोलूँगा अच्छा ठीक है म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स के बेसिस पे समरी बना लो एस में एंट्री कर लो अनालिस कर लो कौन सा फंड अच्छा है बट बहुत कोर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड वर्क नहीं मिलेगा सो देन द क्वेश्चन इज की इसके लिए एक टर्म स्किप करके क्या आपने सी ए फाइनल की जर्नी को डिरेल करना ठीक है इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अभी उस जर्नी के किस स्टेज पे फॉर एग्जाम्पल आपका सारा पढ़ाई हो चुका है यू आर वेल पोजिशन टू क्लियर सी ए फाइनल इन नवंबर ट्वेंटी वन अब उस जर्नी को डिरेल करके मे ट्वेंटी टू में गैम्बल लेना थोड़ा सा इशू है बिकॉज फिर हो नहीं हो एक बार गाड़ी अगर डिरेल हो जाए अदर परस्पेक्टिव इसके कई लोगों को लगता है कि चलो ठीक है एक टर्म बाद दे देंगे ढंग से पढ़ के और एक बार में निकाल देंगे शॉर्ट शॉर्ट बट दैट इज अ परसेप्शन कि आपका एक बार में निकल जाएगा द लार्जर क्वेश्चन देर विल बी कि क्या वो कंपनी आपको पीपीओ देती है और पीपीओ देने के लिए उसका क्या क्राइटेरिया है कि लेट से अगर उसका क्राइटेरिया हो जाता है कि आपको सी फाइनल फर्स्ट अटेम्प में ही क्लियर करना पड़ेगा एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अगर आप वो डी कर देते हैं लेट से आप इवन सिटी चेंज करते हैं और वहाँ के एक नया एन्वायरमेंट में आपका यू आर नॉट एबल टू गेट अक्लिमेटाइज टू दैट एनवायरमेंट तो फिर क्या क्योंकि उनका जॉब आपको तभी मिलेगा जब आप सी ए फाइनल क्लियर हो चुके नो नोट मैटर हाउ गुड है यू बीन इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो आपको जॉब ऑफर तभी करेंगे जब आप सी ए फाइनल क्लियर हो चुके हैं अदरवाइज ठीक है सेमी क्वालिफाइड यू कैन कंटिन्यू बट देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक योर ड्रीम जॉब नॉट दे यू आर गोइंग टू बी देर ड्रीम एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो बिज़नेस लीडरशिप प्रोग्राम में रैंक होल्डर्स को लेती है तो आप क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेन ही आपको ऑब्जॉर्व करेगी तो आपको उस लीडरशिप प्रोग्राम में नहीं ऑब्जॉर्व करेंगी दे आर गोइंग टू अब्जॉर्व यू इन द नॉर्मल रूट तो क्या वो नॉर्मल रूट आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प में एक साथ पास करके वो नॉर्मल रूट में अगर आप जाना चाहें तो आपको नहीं लेगा तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि उस ब्रांड के आप कितने सहारे अपने करियर को देखते हैं उठना तो कोई कंपनी आपको फर्स्ट राउंड में दे देगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वजह से कोई हो सकता है कि ठीक है एल पी एस यू व कैंपस में अगर जाएगी तो अगर आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए हो तो आपको शॉर्ट शॉर्ट वहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगा और अगर आप वो शॉर्ट लिस्ट कन्वर्ट कर देते हो तो आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी बट क्या वो इंडिपेंडेंटली आपको ऐसे भी नहीं मिलेगी सो फॉर एग्जाम्पल आप ढंग से एक बार में पास कर लेते हैं एंड आपका क्रेडेंशियल्स अच्छा है टेक्निकली इफ़ यू आर गुड तो हो सकता है आपको कैंपस में ऐसे ही शॉर्टलिस्ट मिल जाए सो so, मेरा जो मानना है एंड आई कैन बी रॉन्ग कि आई कुड हैव लेफ्ट इट ओपन एंडेड डिपेंड्स ऑन आप कहाँ हो कैसे हो क्या सोचते हो बट लाइफ का सिक्स मंथ्स को कॉम्प्रोमाइज करना जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है एंड आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दैट टू पीपल दैट ठीक है आपको ये कंपनी का ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कोई और देगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं भी होगा तो फिर सी ए फाइनल पर फोकस करो सी ए फाइनल क्लियर करके दिस इज होल वर्ल्ड विच विल गिव यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आप उसके बाद फर्दर एडुकेशन करके अपने सीवी को चार चांद लगा सकते हैं बट टर्म्स स्किप करना मतलब आपकी ज़िंदगी के छः महीने ख़राब करना एंड uh, उसके बाद क्योंकि वो डिरेल हो जाता है यू नेवर नो कि फिर वो कैसे चलेगा तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग किसी के लिए वो ब्रांडिंग प्लस टाइप एंड प्लस एक्सपोजर का जो कॉम्बिनेशन है इतना लुक्रेटिव हो जाता है और उनको लगता है कि नहीं क्यों बात मैं तो नवंबर की जगह ऐसे भी मे में देने से मेरा ठीक होगा तो देन आई विलव इट कम्प्लीटली टू योर डिस्क्रेशन अगर कोई मेरा जूनियर होता तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता थैंक यू